सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर अपडेट ऑफ द आईपीओ। यार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड्स के आईपीओ के बारे में, जो कि 24 तारीख से ओपन होगा और उसके साथ ओपन हो गए 3 और आईपीओ। यानी कि आपके लिए फिर से मौका है आईपीओ में इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन उससे पहले बात करें मार्केट की, तो इस वीक के अंदर 7 से 8 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ दोस्तों 19 तारीख को भी 4 आईपीओ लॉन्च हुए थे, 20 तारीख को भी 2 आईपीओ लॉन्च हुए थे और 21 को भी लॉन्च हुए थे, जिसकी लिस्टिंग आपको इस वीक के अंदर मिल जाएगी। आईपीओ में मार्केट की मैं बात करूँ तो 4 से 5 महीने ये रहेगा गुलजार और दिग्गज कंपनियाँ भी पेश करेगी अपने आईपीओ। यहाँ दोस्तों अगले कुछ ही महीनों में 55 कंपनियाँ जो है वो अपने आईपीओ ला सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर में ओला इलेक्ट्रिक्स, NSDL, एफक्रॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, एमकॉर फार्मास्यूटिकल, नोंडाई मोटर्स, बाजार स्टाइल रिटेल्स, स्विगी और हल्दीराम जैसी बड़ी कंपनियों के आईपीओ भी आने वाले हैं। ये कंपनियां 4 से 5 महीने के अंदर ही अपने आईपीओ लॉन्च कर देगी। इन कंपनियों के इश्यू कई गुना ओवर सब्सक्राइब होंगे और कई निवेशक पहले से ज़्यादा इन कंपनियों में अभी इन्वेस्ट करेंगे। उसकी वजह से एक दिक्कत ये भी होगी कि जितने ज़्यादा निवेशक इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतने ही स्टॉक्स अलॉटमेंट की संभावना भी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि उनको अलॉटमेंट नहीं मिलता। अब उनको अलॉटमेंट कैसे मिले, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं, जो आप देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके वीडियो चेक कर लेना और वीडियो के थ्रू आप फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप जो गाइडलाइन दी है, तो आपको भी अलॉटमेंट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। अब बात करें आज के वीडियो की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि शिवालिक पावर कंट्रोल्स का आईपीओ आने वाला है, तो उसकी कंपनी की डिटेल्स की मैं बात करूं तो फाउंडेड इन 2004, शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड इलेक्ट्रिक पैनल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है। कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में PCC पैनल्स, IMCC पैनल्स, स्मार्ट पैनल, MCC पैनल्स, DG सिंक्रोनाइजेशन पैनल, आउटडोर पैनल, HT पैनल्स अप टू 33 kV, VFT पैनल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, बस डिस्ट्रीब्यूशन एंड LT एंड HT APFC जैसी प्रोडक्ट भी शामिल है। द कंपनी सर्विस दिस पैनल्स टू मोर देन 50 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स टू इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, इंक्लूडिंग नेपाल, बांग्लादेश एंड अफ्रीकन कंट्रीज सच एज युगांडा, केन्या, नाइजीरिया एंड अल्जीरिया। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फरीदाबाद, बलादगढ़, हरियाणा में स्थित है। अब ये कंपनी आपने देखा कि नेशनल और इंटरनेशनल भी वर्क कर रही है। दोस्तों, इस कंपनी का आईपीओ 24 जून से ओपन होगा, 26 जून तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ का साइज 64.32 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट फ्रेश इश्यू होने वाला है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर तय की गई है। इसका प्राइस बैंड 95 से लेकर 100 रुपीज पर इक्विटी शेयर तय किया गया है। इसमें रिटेल कोटा 35%, YBS के लिए 50% और NII के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, SME सेगमेंट का ये आईपीओ होने वाला है, सो इसमें लॉट साइज 1200 शेयरों की तय की गई है। एज एन इन्वेस्टर आपको इसमें 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। चेक करें इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड, तो दोस्तों ग्रे मार्केट में ये सही में धूम मचा रहा है। 155 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है और परसेंटेज वाइज गिने तो 155% का मुनाफा आपको इस आईपीओ से मिल सकता है। या दोस्तों, एक नहीं आपका पैसा 1.5 गुना डबल हो सकता है, यानी इन्वेस्टिंग के लिए पैसे रखे तैयार। यहाँ दोस्तों पैसा मल्टीपल हो सकता है अगर यही ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता रहा तो, पर एज पर मार्केट सेंटिमेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम डे बाय डे अपडेट होता रहता है। हो सकता है जिस दिन आप हमारे वीडियो देख रहे हो उस दिन भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ और ही देखने को मिल जाए। ये डे बाय डे अपडेट होता रहता है और वो डे बाय अपडेट आपको जाननी है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप इस कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम डे बाय डे चेक कर सकते हो। बात करें इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग की, तो इसका अलॉटमेंट आपको 27 जून को मिल सकता है, वही 1 जुलाई को आईपीओ मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। अब आपका अलॉटमेंट इसके ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर जाके चेक करें। अगर कंपनी के प्रमोटर्स का लिस्ट, तो मिस्टर अमित कन्वर जिंदाल, मिसेज सपना जिंदाल जो है वो इस कंपनी के प्रमोट, वही इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स के तौर पर कॉरपोरेट कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को तय किया गया है। चेक करें अगर इसके आईपीओ की वैल्यूएशन, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 71.26 पर इक्विटी शेयर है। इसके रिटर्न ऑन नेट पर जो है वो 36.82% है और इसके नेट एसेट वैल्यू यानी जो NAV है
वो 229.14 पर इक्विटी शेयर तय की गई है। लेट्स चेक इस फाइनेंशियल रिपोर्ट के आखिरकार फाइनेंशियल ये कंपनी कितनी मजबूत है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 0.67 करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़ते हुए 1.75 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और यही नहीं, इसने 2023 में इससे भी बड़ी छलांग लगाई और ये पहुंच गया 7.60 करोड़ रुपए पर। दिसंबर 2023 के एंड का अगर हम रिपोर्ट चेक करें तो इसका प्रॉफिट 7.60 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी कंपनी प्रॉफिटेबली है, कंपनी ग्रो कर रही है, नेशनली नहीं इंटरनेशनल भी अपना परचम लहरा रही है और ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड आपने देख ली। 155 गुना प्रॉफिट आपको दे सकती है कंपनी। सो आपका रिव्यू क्या बन रहा है और 24 तारीख को जैसे कि 4 से 5 IPO लॉन्च हो रहे हैं, इसमें से किस IPO में आप इन्वेस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करना। और ऐसी IPO की अपडेट अगर आपको मिस नहीं करनी तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि कोई भी IPO की अपडेट आपसे मिस ना हो। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट IPO की अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।